कहानी की शुरुआत में कचरे से भरी एक जगह दिखाते हैं जहां रोबोटिक कॉकरोचेस को छोड़ा जाता है और वो कुछ ही देर में उस पूरी जगह को साफ कर देते हैं। उसके बाद हमें पीडीआर टेक्नोलॉजीज के फाउंडर विक्टर चोई को दिखाया जाता है। उसने ही जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इन कॉकरोचेस को बनाया था। ये रोबोट्स पूरी दुनिया का कचरा खत्म कर सकते हैं और इन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद हमें पीडीआर की एक शिप को दिखाते हैं जिसमें उन कॉकरोचेस को कहीं ले जाया जा रहा था। उसमें विक्टर भी मौजूद था। एक साइंटिस्ट कॉकरोच को चेक कर रहा होता है कि तभी अचानक से झटका लगता है और वो कॉकरोच उसके हाथ से निकल जाता है। उस शिप का क्रू परेशान दिखाई देता है क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था। तभी चाओ वहां आता है और वो सिचुएशन को एनालाइज करके कहता है कि शिप को 15 डिग्री राइट में मोड़ दो। इससे शिप उस आइसबर्ग के बिल्कुल पास से होकर गुजर जाती है। पर चाओ को आइसबर्ग पर बहुत सारा कचरा दिखता है जो बहुत हैरान करने वाली बात थी। तभी एक फीमेल साइंटिस्ट उसे आकर बताती है कि तकरीबन 6 टैंकर में मौजूद रोबोट्स अनस्टेबल हो गए हैं। इस पर चाओ कहता है कि ये शायद उस कचरे की वजह से हुआ होगा। तब रात के समय उसी फीमेल साइंटिस्ट को दिखाते हैं। वो कंट्रोल रूम में जाना चाहती थी पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं तो वो उनको मारकर अंदर चली जाती है और वहाँ एक सिस्टम में एक वायरस अपलोड कर देती है। तभी वहाँ एक रोबो कॉकरोच आ जाता है जिसे देखकर वो लेडी कहती है कि हमारी आर्मी तुम्हें जल्द ही एक वेपन की तरह यूज करेगी, यानी कि ये कोई जासूस है। तभी वो उस कॉकरोच को छूने की कोशिश करती है पर वो उसे काट लेता है तो गुस्से में आकर वो उसे मार देती है। पर तभी वहाँ पर कई सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं और वो उसे मार देते हैं। तभी चाओ को दिखाते हैं जो अपने कमरे के पास आ गया था। तभी उसकी बेटी कमरे के अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ विक्टर और सिक्योरिटी चीफ कंट्रोल रूम की फुटेज देखते हैं और सारी बात समझ जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं। विक्टर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता तो वो सिक्योरिटी वालों को उन पर हमला करने को कहता है। उधर चाओ की बेटी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी कि तभी चाओ वहाँ आ जाता है और वो उसे डांटने लगता है क्योंकि वो लड़का उसकी बेटी के लिए सही नहीं था। तो वो कहती है कि कम से कम वो उसके साथ तो है। तो चाओ उसे कहता है कि वो यहाँ उन्हीं के लिए पैसा कमाने आया है। तभी उसकी बेटी कहती है कि जब उसकी मदर की डेथ हुई क्या तब भी उन्हें पैसा ही जरूरी लगा। ये बातें करते हुए उन्हें अजीब सी स्मेल आती है। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे कॉकरोच आ गए हैं और वो जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और इसी तरह पूरी शिप में भगदड़ मच जाती है। वो कॉकरोच लोगों को मारने लगते हैं। उधर विक्टर और उसके लोग वहाँ फंसे हुए थे और कॉकरोच एक एक करके सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत बुरी तरह मारने लगे थे। तो विक्टर सिक्योरिटी चीफ को पीछे छोड़कर अकेले ही वहाँ से बाहर आ जाता है। बाकी के लोग किचन वाले एरिया में इकट्ठा हो गए थे और बाकियों को भी वहाँ आने के लिए कहते हैं। तभी वो साइंटिस्ट वहाँ आता है जिसे कॉकरोच काट रहा था। तभी चाओ उस कॉकरोच को उससे अलग करता है और वो उसे मार देते हैं। तभी विक्टर भी यहाँ पहुंच जाता है पर सभी उससे कहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तो विक्टर कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि ये सभी रोबोट्स हैं और इन्हें कंट्रोल रूम में जाकर बंद किया जा सकता है। तो कैप्टन हेल्प बुलाने के लिए जैसे ही फोन की तरफ जाता है तो विक्टर उस पर बंदूक तान लेता है क्योंकि अगर ये खबर बाहर निकली तो उसकी कंपनी खत्म हो जाएगी। तभी चाओ उससे गन छीन लेता है पर तभी अपने बचाव के लिए विक्टर कहता है कि अगर वो उसकी बात मानेंगे तो वो उन सबको अपनी कंपनी का 1% हिस्सा दे देगा। तो सभी लालच में अगर उसकी बात मान लेते हैं और चाओ अब अकेला कुछ नहीं कर सकता और अब सभी उन कॉकरोचों से लड़ने की तैयारी करते हैं कि तभी कुछ कॉकरोच वहां रखे एक केक में चले जाते हैं और उनमें से एक आदमी उस केक को खा लेता है जिससे वो कॉकरोच उसके अंदर चले जाते हैं और वो आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। तभी वहां कई सारे कॉकरोच आ जाते हैं और जान बचाने के लिए सभी लोग वहां से भागने लगते हैं पर वो कॉकरोच उनके बहुत नजदीक आ गए थे। वो बड़ी मुश्किल से उनका सामना कर रहे होते हैं पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी भागते हुए एक औरत गिर जाती है और उसे एक आदमी बचाने आता है पर वो कॉकरोच उस आदमी को मार देते हैं और डरते हुए सभी लोग आगे भागने लगते हैं। पर किसी तरह वो सभी कंट्रोल रूम के अंदर आ जाते हैं। वहां वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि शिप का कैप्टन गेट के पास खड़ा है। तो एक औरत दरवाजा खोलने जाती है पर चाओ को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि वहां एक भी कॉकरोच नजर नहीं आ रहा था। पर वो औरत मना करने के बाद भी कैप्टन को अंदर कर लेती है और यहाँ दिखाते हैं कि कैप्टन की बॉडी को वो कॉकरोच कंट्रोल कर रहे थे इसलिए वो सबको जख्मी करने लग जाता है। वो चाओ की बेटी के पैर में रोड घुसा देता है और अब उन पर हमला करने के लिए आगे आता है कि तभी सिक्योरिटी चीफ यहाँ आकर उसे शूट कर देता है। अब सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं पर सिक्योरिटी चीफ पीछे रुक कर यहाँ दो ग्रेनेड को एक्सप्लोड कर देता है और वो यहाँ मारा जाता है। अब सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ चाओ अपनी बेटी को बैंडेज लगा रहा था। इससे पहले हमें दिखाया गया था कि एक बार ये झगड़ रहे थे और चाओ अपनी बेटी का फोन फेंक देता है पर उसके कवर में उसकी वाइफ और उसकी बेटी की तस्वीर थी। यहाँ पता चलता है कि जब इसकी बेटी पैदा होने वाली थी तब भी चाओ अपनी फैमिली के पास नहीं था।
और इसी वजह से वो अपने पिता को बहुत पसंद नहीं करती थी। पर अब हालात बदल चुके थे। यहाँ चाओ विक्टर से गुस्से में पूछता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है और ये कॉकरोच इतने स्मार्ट कैसे हो गए। तो विक्टर एक सीक्रेट रिवील करता है कि सारे कॉकरोचेस को संभालना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम बनाया जिसका नाम क्वीन था। पर वो बताता है कि क्वीन का कोर प्रोग्राम कचरे को साफ करना है और ये सब पता नहीं कैसे हो रहा है। वो कहता है कि अगर वो उसके सर्वर को बंद कर दे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, पर सर्वर रूम के रास्ते में कॉकरोच थे। तो रिसर्चर कहता है कि अगर किसी तरह वो टेम्परेचर कम कर दे तो उनका काम चल जाएगा, और अब टेम्परेचर कम होते ही वो कॉकरोच डीएक्टिवेट हो जाते हैं। वो सभी उनके बीच से होकर निकल ही रहे थे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है और कॉकरोच एक्टिवेट होकर रिसर्चर और एक औरत को मार देते हैं। अब सिर्फ चाओ, बेटी और विक्टर ही जिंदा बचे थे और वो किसी तरह सर्वर रूम में आ गए थे। यहाँ विक्टर देखता है कि उसके कंप्यूटर में एक अनजान सिस्टम अपलोड हो रहा है, पर तभी कॉकरोच अंदर आ जाते हैं। तो विक्टर भागकर सर्वर की सारी केबल्स को काट देता है जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। पर वो देखता है कि वो सिस्टम पूरी तरह अपलोड हो चुका है और अब क्वीन खुद इनके सामने आ जाती है। अब चाओ उसे पूछता है कि आखिर वो ये क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि सारे कचरे का कारण तुम इंसान हो, और अगर तुम खत्म हुए तो सारा कचरा भी खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही विक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और वो यहाँ से भागकर एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। यहाँ चाओ को एक आइडिया आता है कि अगर किसी तरह हम इन कॉकरोचेस को आइसबर्ग पर ले जाएं तो ये वहाँ की कम टेम्परेचर की वजह से मर जाएंगे। तभी वो अपने रेडार में देखते हैं कि आइसबर्ग फ्लोट करता हुआ इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है, पर इन्हें शिप को यहीं रोकना होगा और उसके लिए इन्हें एंकर नीचे गिराना होगा। तो विक्टर कैमरा में देखता है कि उसके रास्ते में बहुत सारे कॉकरोचेस हैं और उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन चाओ अब खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर उसकी बेटी काफी दुखी हो जाती है। लेकिन चाओ विक्टर को कहता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखे और वो वहां से चला जाता है। चाओ कॉकरोचेस का सामना करते हुए किसी तरह एंकर के पास आ जाता है, पर क्वीन भी अब इसके सामने आ जाती है और वो उसे ये करने से रोकती है। और जब वो नहीं मानता तो वो उसकी बेटी वाले रूम में पानी भरना शुरू कर देती है। इससे विक्टर और उसकी बेटी उस रूम में फंस गए थे क्योंकि चाओ उसे बाहर से लॉक कर चला गया था। एक तरफ चाओ क्वीन का सामना कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी बेटी वाले रूम में पानी लगातार भरता जा रहा था, पर वो किसी तरह एंकर को नीचे गिरा देता है जिससे शिप यहीं रुक जाती है। और अब आइसबर्ग भी इनके बहुत नजदीक आ चुका था। जब उसकी बेटी के रूम में पानी भरने ही वाला था तभी विक्टर वहां एक एग्जिट ढूंढ लेता है और वो उसकी बेटी को बाहर निकाल देता है, पर वो खुद वहां से बाहर नहीं निकल पाता। और अब आइसबर्ग भी इनके शिप के बहुत पास आ चुका था। तभी चाओ वहां ब्लास्ट कर देता है जिससे सारे कॉकरोचेस उस आइसबर्ग पर चढ़ जाते हैं और उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो सभी मर जाते हैं। पर अब सिर्फ चाओ की बेटी ही जिंदा बची थी। यहां से बच जाने के बाद चाओ की बेटी शहर में जाकर बच्चों को गार्बेज और उसकी रिसाइकलिंग के बारे में सिखाने लग जाती है, और उसने खुद भी प्लास्टिक बैग यूज करना बंद कर दिया था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।